हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोटेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूं, बिकॉज मैं कल लाइव नहीं कर पाया बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। बट डेफिनेटली आज हम लाइव करेंगे और गिव अवे का विनर अनाउंस करेंगे। एंड यहां पर सैमसंग के गैलेक्सी A50 के अंदर एक नया FOT अपडेट आया आज के दिन। एंड ये वीडियो लेट रिलीज करने का मतलब भी यही है, इसके पीछे जो रीज़न है वो मतलब ये नहीं है, मतलब अलग है। क्या लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ पर मेरठ में? बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो लाइट बार बार जा रही है, इस वजह में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लाइट नहीं होती तो अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं मिल पाती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसका थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। एंड बट नाउ फाइनली मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करा एंड हैवी ऑन। सो यहाँ पर जो अपडेट की फाइल है वो अराउंड 190 MB के आसपास की है। एंड यहाँ पर सैमसंग ने काफ़ी कुछ मैंशन किया हुआ है कि कैमरे के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट करा है, कैमरे की पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करा है, उसको स्टेबल करा है एंड वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि सैमसंग ने कितने इंप्रूवमेंट करे हैं अपने कैमरे के अंदर। स्पेशली यहाँ पर हमारा सुपर स्लो मोशन को इम्प्रूव करा है नहीं करा है, क्योंकि वहाँ पर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले थे, सभी आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा सैम्पल के साथ में। सो सबसे पहले अपडेट कर लेते हैं डिवाइस को एंड देन फिर मिलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सैमसंग का A50 अपडेट हो चुका है, और अपडेट होने में ना ऑलमोस्ट 9 मिनट लिए होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लिया। हीटिंग इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वेदर भी काफ़ी अच्छा है एंड जो रूम का टेम्परेचर वो भी काफ़ी मेंटेन है। सो यहाँ पर अपडेट होने के बाद में थोड़ा टाइम ये एक तरीके से फ्रीज हो गया था, जो कि नॉर्मल चीज़ है। और अपडेट होने के बाद में जब आप अपने डिवाइस को यूज़ करोगे तो ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए आपका डिवाइस या 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा हैंग चलेगा, थोड़ा लोड ले लेके चलेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल होता है। बाद में सब चीज़ नॉर्मल रहती है बिकॉज बैकग्राउंड में ऑप्टिमाइजिंग चलती रहती है कुछ देर के लिए, कुछ देर बाद वो कंप्लीट हो जाती है तो आपका डिवाइस वापसी नॉर्मल परफॉर्मेंस पर आ जाता है। एंड मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि जो डिवाइस है ये जुलाई 2019 के सिक्योरिटी पेज में अपडेट हो चुका है, जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज है। काफ़ी अच्छी बात है सैमसंग इसको मंथली सिक्योरिटी पैचेज दे रहा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इससे पहले मई का भी था, जून का मिला एंड जुलाई का मिला, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो अगस्त का सिक्योरिटी पैच होगा वो भी शायद से मेरे A50 के अंदर देखने को मिल जाए, क्योंकि सैमसंग का ए सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है सैमसंग की ए कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर हमें मैसेज भी ऐसे आ चुका है कि योर डिवाइस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। एंड यहाँ पर ये था लेटेस्ट अपडेट, जो कि इंप्रूवमेंट यहाँ पर बताए गए हैं, कैमरा की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करा है, पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करा है, और वाईफाई की कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करा है। यहाँ पर मैंने A50 के अंदर एक काफ़ी बुरी ये चीज़ देखी थी इससे पहले अपडेट करने से, कि वाईफाई जो था काफ़ी मतलब कई बार ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाता था, कई बार ऑटोमेटिक जो है हमें स्पीड नहीं मिलती थी, यानी कि वाईफाई कनेक्शन तो परफेक्टली दूसरे डिवाइसेस में परफेक्टली वर्क कर रहा है बट सैमसंग के A50 में नहीं कर रहा था। तो सैमसंग ने उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिया है। तो अगर आप वाईफाई ज़्यादा यूज़ करते हो, आपके घर में वाईफाई है, वाईफाई से आप अपने डिवाइस को कनेक्ट रख दो, तो फिर अब आपके डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि कैमरे की पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करा है। हालांकि सैमसंग के A50 की जो पिक्चर क्वालिटी है वो मुझे पहले से ही पसंद है, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अमेजिंग फोटोज़ कैप्चर करता है। डिटेल तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल वाली होती है, 25 MP का बैक कैमरा है तो काफ़ी कमाल की डिटेल्स हमें देखने को मिलती हैं। एंड अपडेट के बाद में बता रहे हैं कि और इम्प्रूव करा है, मुझे इतना खास फ़र्क नहीं लगा, बट हो सकता है इन्होंने इम्प्रूव करा हो, कुछ इमेज प्रोसेसिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया हो। हाल फिलहाल तो मुझे उसके बारे में नहीं मालूम,
बट यहाँ पर जो सुपर स्लो मोशन है सैमसंग ने उसको काफ़ी कमाल का कर दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते थे सैमसंग के सुपर स्लो मोशन के अंदर A50 के अंदर। एंड मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक सैम्पल मैंने रिकॉर्ड करा था लगभग 5:30 बजे के करीब, इसको टेस्ट कर रहा था मैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है, इसका कैमरा किस तरीके से परफॉर्म करता है। एंड आप यहाँ पर सैम्पल देखिए, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिल रहे हैं जो कि हमें पहले देखने को मिले थे। काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स थे जिसकी वजह से जो हमारी वीडियो है वो बिल्कुल यूज़लेस लगती है, मतलब यूज़ ही नहीं रहता उसका। जब वीडियो अटक अटक के चलती है तो काफ़ी बुरी लगती है, एंड सैमसंग ने उस चीज़ को कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। एंड जो इसका नॉर्मल स्लो मोशन है वहाँ पर मुझे जो कलर्स है वो काफ़ी बेहतर लगे पहले के कंपैरिजन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कलर्स है वो पहले के मुकाबले थोड़े से बेटर है। ये नॉर्मल स्लो मोशन मोड में मैंने इस वीडियो को कैप्चर करा है। यहाँ पर हम जितने चाहे मैक्सिमम आई थिंक 1 घंटे की हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्लो मोशन में। एंड आप ध्यान से देखोगे तो सुपर स्लो मोशन और नॉर्मल स्लो मोशन में ही कलर का आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। जो कलर्स हैं वो काफ़ी अमेजिंग आ रहे हैं स्लो मोशन के अंदर, एंड काफ़ी एक्यूरेट है। कंट्रास्ट, सेचुरेशन, एवरीथिंग, मतलब कमाल कर दिया सैमसंग ने इस अपडेट के थ्रू। स्लो मोशन को काफ़ी इंप्रूव करा है और सुपर स्लो मोशन को तो इंप्रूव करा ही है। बट यहाँ पर अभी भी एक चीज़ मिसिंग है जो कि अभी तक सैमसंग ने अपने A50 के अंदर इंक्लूड नहीं करी है। पता नहीं क्यों, मतलब सैमसंग के लिए इतना भारी काम नहीं है बट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसका रीज़न क्या है, वो क्या चीज़ है, वो है वीडियो स्टेबलाइजेशन। हाँ, सैमसंग के A50 के अंदर वीडियो स्टेबलाइजेशन EIS का हमें डिजिटल EIS मिल जाता है जो कि वीडियो को स्टेबल कर देता है। सुपर स्टडी मोड पे मिल जाता है बट हम उसको ऑफ नहीं कर सकते, हम उसको डिसेबल नहीं कर सकते, यानी कि जो नॉर्मल स्टेबलाइजर है हम उसको डिसेबल नहीं कर सकते। अब उसको डिसेबल करने का कोई ऐसा बड़ा एडवांटेज नहीं है, बट अगर आप ट्राईपॉड पर रखकर वीडियो को रिकॉर्ड करते हो, एज आई एम अ यूट्यूबर और मैं अपने डिवाइस से अगर वीडियो रिकॉर्ड करूं तो मुझे कहीं कहीं पर थोड़ा सा वाइड एंगल ऑफ व्यू चाहिए होगा, जहां पर मुझे वीडियो स्टेबलाइजेशन जो है उसको ऑफ करना ही होगा थोड़ा सा वाइड एंगल ऑफ व्यू लेने के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल वीडियो होती है वो थोड़ी सी वाइड एंगल आता है और उसको क्रॉप कर देता है जब स्टेबल करता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, तो थोड़ी सी क्रॉप हो जाती है। ये ऑप्शन हमें सैमसंग के हर एक स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है जिसके अंदर डिजिटल स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, बट पता ही नहीं क्यों सैमसंग अपने A50 के अंदर ये फीचर को प्रोवाइड ही नहीं करा रहा है। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको ऑफ करने से जो स्टेबलाइजेशन है वो डिसेबल हो जाती है और थोड़ा सा वाइड एंगल ऑफ व्यू देखने को मिलता है, बट जो स्टेबल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वीडियो वो उस तरीके का स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप फॉर एग्जांपल वॉक करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ज़रूर से इसको इनेबल करना चाहिए अगर है, और अगर नहीं है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेक आती है। और आज के टाइम में बिना EIS के तो मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे ख्याल से कम्प्लीटली यूज़लेस है, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन के अंदर 15,000 से हर एक स्मार्टफोन के अंदर, मेरे ख्याल से 10-12,000 से भी हर एक स्मार्टफोन के अंदर ये फीचर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में मुझे कुछ ऐसा मेजर इंप्रूवमेंट नहीं लगा है कि परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव हो गई हो, हाल क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से ही काफ़ी बेहतर है। सैमसंग ने FOTA के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर को सैमसंग ने इस बार कुछ भी नहीं छेड़ा, हालांकि जो पिछले बार का अपडेट आया था मुझे उसके बाद से जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है, बिकॉज़ जो हमें जून का सिक्योरिटी पे देखने को मिला था उसके बाद में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। यानी कि अगर मैं एक बार में अपने डिवाइस को अनलॉक करूँ तो लगभग पिछली बार के अपडेट यानी कि जून के सिक्योरिटी पेज से पहले अनलॉक नहीं होता था, बट अब जून के बाद में इतना बढ़िया वर्क कर रहा है। एंड मुझे जुलाई के बाद में कुछ ऐसा खास इंप्रूवमेंट या डाउनग्रेड नहीं लगा है, अभी भी काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहा है। यानी कि अगर 10 बार करो तो लगभग 8 बार तो अनलॉक हो जाता है, 2 बार अनलॉक नहीं होता। पहले जो था जब ये डिवाइस को मैंने परचेज करा था मई के अंदर, तो उस वक्त में इस डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट ही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था, क्योंकि लगभग 10 से 4 बार में अनलॉक हो रहा था, नहीं तो 6 बार मेरा फिंगरप्रिंट को ये रिकनाइज नहीं कर पा रहा था, अनलॉक नहीं कर पा रहा था। बट अब सैमसंग ने काफ़ी इंप्रूव कर दिया है, तो फिंगरप्रिंट से अभी मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। फर्स्ट जनरेशन का फिंगरप्रिंट और सैमसंग ने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर रखा है फर्स्ट जनरेशन के होने के बाद में भी। सो फ्रेंड्स, ये थी अपडेट की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो चलिए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से टर्न ऑन कर लेना, और मैं आज ज़रूर लाइव आऊँगा, चाहे जो हो जाए मैं लाइव ज़रूर करूँगा आज। एंड स्टे ट्यून्ड, सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।
हूँ।